गुजरात के नवसारी में एक लावारिस लाश को ठेले पर लादकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुजरात की नवसारी की, जहां एक लाश को अंतिम संस्कार के लिए ठेले पर ले जाया गया। अमानवीयता की हदें पार करने वाली तस्वीर आप देखिए। और अब देखिए नवसारी से ये पूरी रिपोर्ट। इस ठेले पर लाश ले जाई जा रही है। जी हाँ, लाल रंग की शर्ट पहने ये आदमी लाश को ठेले पर रखकर अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा है। ठेले पर रखी लाश के पास से कई बाइक सवार निकलते हैं, सवारी भरे कई ऑटो निकलते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि ठेले पर लाश ले जाई जा रही है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 303 किलोमीटर दूर नवसारी जिले की हैं, जहां तीन दिन पहले नवसारी स्टेशन के पास मिली लावारिस लाश के साथ इस तरह का अमानवीय सलूक किया गया। सरकारी नियमों के मुताबिक लावारिस लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए ₹1,000 दिए जाते हैं, लेकिन नवसारी की रेलवे पुलिस और सिविल अस्पताल ने पैसे बचाने के लिए ठेले पर ही लाश को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया। एबीपी न्यूज ने जब नवसारी रेलवे पुलिस के एसआई रमेश जाधव से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कैमरे पर जो बात बताई वो होश उड़ा देने वाली थी। क्या आपने सिविल अस्पताल से वहाँ पे एम्बुलेंस है, सब वाहिनी है, तो उसकी डिमांड की थी? नहीं, हमने तो क्या है, बरसों से ये इसी तरह ले जाते हैं, तो उसी तरह आज भी हमने भेजा था। पुलिस के मुताबिक लावारिस लाशों के साथ इस तरह का अमानवीय सलूक सालों से होता आ रहा है। गुजरात में बनी बीजेपी की नई सरकार को अपने स्वास्थ्य महकमे में खास ध्यान देने की जरूरत है। वजह तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।